महाराष्ट्र के नागपुर में आज ट्रेन हादसा हो गया है। नागपुर के सुभाष चंद्र बोस रेलवे स्टेशन के पास ये हादसा हुआ, जहां नागपुर से मुंबई जा रही शालीमार ट्रेन बेपटरी हो गई। यह ट्रेन दो जगह से बेपटरी हो गई और कुल तीन डिब्बे पटरी से उतर गए। S1 और S2 दोनों ही डिब्बे बेपटरी हो गए, साथ ही आगे से भी माल का एक डिब्बा बेपटरी हो गया। बताया जा रहा है कि ये ट्रेन जैसे ही 2 बजे रेलवे स्टेशन से छूटी और ट्रैक चेंज करने लगी, तभी दो जगह से बेपटरी हो गई और यह हादसा हुआ। गनीमत रही कि ट्रेन की स्पीड बहुत ही कम थी, जिस वजह से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ और कोई इस घटना में घायल भी नहीं हुआ। घटना के तुरंत बाद मौके पर पुलिस और मदद के लिए टीम पहुंची। देखिए, ये ट्रेन नंबर 18029 है, ये CSMT से शालीमार डाउन ट्रेन है। ये ट्रेन इतवारी स्टेशन से निकलकर कलमना स्टेशन से पास हो रही थी। वहाँ पे इसके ट्रेन के एक पार्सल वैन होता है VP कोच, जो कि 3rd फ्रॉम इंजन, और एक स्लीपर का S2 कोच है, जो कि 12th फ्रॉम इंजन। ये दो कोच डिरेल हुए हैं और जो इसका कॉज है ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है, ये कुछ समय बाद पता चलेगा। साथ ही रेलवे का जो पूरा प्रशासन है वो जल्दी से जल्दी दोनों कोचेस को रिरेल करने के लिए अपनी सारी मशीनरी और मैन के साथ जुटा हुआ है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, इसमें कोई हताहत नहीं है, माइनर और मामूली इंजरी भी किसी को नहीं आई है। बस इतनी डिटेल है अभी, वो सब अभी हम लोग उस पर काम। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी, BCN न्यूज़ नागपुर।